सारे लोग मिलकर के सोच रहे हैं पैसे का नंगा नाच करेंगे, पैसे की ताकत के बल पे सत्य को न्याय को दबा देंगे, न्याय को दबा देंगे, सत्य को दबा देंगे, और आप डेट करेंगे और लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। निखिल कामत, आपसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे, आपको डेट करने का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन सवाल तो लोग पूछेंगे कि सतीश मान सिंधे को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ कैसे आ गए। रिया चक्रवर्ती तो इतनी इंटेलिजेंट है नहीं कि उन्हें अभिनव चंद्रचूड़ का पता होगा, कोई तो है जो उसे मदद कर रहा है, कौन है? सलमान खान मदद कर रहे हैं, महेश भट्ट मदद कर रहे हैं, निखिल कामत मदद कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बताना तो पड़ेगा देश को। एंड वी आर ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग हैंकी पैंकी में कोई बात नहीं करते, वी डोंट डू येलो जर्नलिज्म, पीक पत्रकारिता हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है सत्य की लड़ाई लड़ना, हमारा उद्देश्य है न्याय के लिए खड़े रहना, सब कुछ लुटा करके भी खड़े रहना, सर्वस्व न्यौछावर करके भी खड़े रहना, सब कुछ बर्बाद करके भी खड़े रहना। वो जो खुद फैसला ले चुका हो, जो खुद नीचे हो, उसे नीचे गिरने का क्या डर है? तो जो फैसला ले चुका हो कि किसी भी परिस्थिति से दो दो हाथ करेंगे लेकिन सत्य और न्याय का दामन नहीं छोड़ेंगे, बताइए दुनिया को कौन मदद कर रहा है? रिया चक्रवर्ती को बताइए, पॉडकास्ट के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या क्या कर रही हैं रिया चक्रवर्ती, क्या एंगेजमेंट है, क्या कमाई है उनकी, बताइए, बताना पड़ेगा उनको। मिस वर्ल्ड आ जाती है उनके शो में, बड़ा अच्छा रिश्ता रहा होगा उनका, कौन बुलाता है मिस वर्ल्ड को, कौन बुलाता है आमिर खान को, कौन उनकी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं? भानु निषाद लिख रहे हैं रिया चक्रवर्ती क्रिमिनल है, किनको किनको रोकेंगे आप? और ये तो मैं वीक डेज पे कर रहा हूं, वीकेंड पे नहीं, वीक डेज पे कर रहा हूं, दोपहर में कर रहा हूं, तब भी लोग जुड़े हुए हैं, तब भी लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये सवाल रुकेगा नहीं, ये सवाल और आगे जाएगा। मित्रों, आप लोगों ने तो पहले ही देख लिया होगा, जान लिया होगा, लेकिन मेरा आज फिर अनुरोध है, अब मैं जरा बाप बेटे की कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणब कुमार, संजय राय की तरह रिया चक्रवर्ती बेबी पेंगुइन सलमान खान का भी नार्को टेस्ट लिया जाए। हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने कोर्ट से अपील किया है, कोर्ट में दिया है कि कस्टोडियल इंक्वायरी की जाए, और इसीलिए पहली बार ये जो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया हमारे केस के ऊपर, इंटरवेंशन फाइल किया कि मुझे सुन लिया जाए, और जब हम लोगों ने कहा कि साहब सबसे पहले आदित्य ठाकरे का कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करो, सबसे पहले, अभी ये दोनों बाप बेटे जो घूम रहे थे, मैंने पहले आपको बताया कि ये बाप बेटे घूम रहे हैं अभी कि इलेक्शन आने वाला है और हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें, कांग्रेस ने डिच कर दिया, शरद पवार ने डिच कर दिया। अब असली कहानी की शुरुआत हो रही है, सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है परमवीर सिंह ने, और जो परमवीर सिंह कल तक इनकी इशारे पर चलते थे, उस परमवीर सिंह ने खुलासा कर दिया है कि किस प्रकार से मातोश्री में बुला करके उन्हें डिक्टेशन दिया जाता था। उस परमवीर सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अनिल देशमुख उस वक्त के जो गृह मंत्री थे, उनको भी ये बाप बेटा दबाव में डालते थे,
उनसे ये कहवाते थे जो भी काम करवाना होता था। सचिन बाजी जो एक क्रिमिनल है जो अभी जेल में है, उसको इस दोनों बाप बेटे ने, जो 16 बरस से गायब था सचिन बाजी, उसको इस दोनों बाप बेटे ने गिरफ्त को पुलिस में ज्वाइन करवाया। और सचिन बाजे से, वो वही सचिन था जो अर्णब गोस्वामी को उठाया था, आपको याद होगा, वो सचिन बाजे को इन्होंने पुलिस में ज्वाइन करवाया 16 वर्ष के बाद। और वो सचिन बाजे इन दोनों बाप बेटे के कहने पर उगाही का धंधा चलाता था। ये परमवीर सिंह कह रहे हैं, ये परमवीर सिंह कह रहे हैं कि 100 करोड़ की उगाही का टारगेट तो अकेले मुंबई से था। ये परमवीर सिंह कह रहे हैं 100 करोड़ का टारगेट, सचिन बाजे और परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने कहा कि साहब ये जो 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया गया था, हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो हमारे खिलाफ इन्होंने जो है सो साजिश करना शुरू किया। और एक पुलिस ऑफिसर को दूसरे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस्तेमाल करने का धंधा ये दोनों बाप बेटा करते थे। पूरे कोविड के दौरान ये बाप जो है मुख्यमंत्री, मैं आदर्शसूचक शब्द से तो वो संबोधित ही नहीं करता हूं, तो ये उद्धव ठाकरे पूरे कोविड के दौरान कभी ऑफिस नहीं गया, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए, और ये महाराष्ट्र की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि बेटा डाबोस जा चुका था ना, घूम के आ चुका था। उसकी कहानी में पहले ही आपको बता चुका हूं डाबोस के साथ रिश्ता क्या है इनका, और ये डाबोस पूनावाला गेट इसका क्या रिश्ता है, सब मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमवीर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, और कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो एक प्रकार से परमवीर सिंह अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं। और जब बाप ने धमकी दी देवेंद्र फडणवीस को कि अब या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, उसके बाद जैसे ही परमवीर सिंह का मुंह खुला कि मैं रहूंगा तुम रहोगे का नारा खत्म, चुप्पी साथ ली। फिर ये दरबार दरबार भटकने लगे कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दो। पार्टी टूट चुकी है, सिंबल जा चुका है, शरद पवार और कांग्रेस की सवारी बाप बेटे करना चाहते हैं। शरद पवार इनको अपनी पीठ की सवारी करने नहीं देंगे और कांग्रेस किसी भी सूरत में करने नहीं देगी। मुंबई पर जो कब्जे की तैयारी प्लानिंग करके ये दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं कि मुंबई पर मैं कब्जा कर लूंगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मुंबई पर कब्जे की तैयारी में दोनों बाप बेटा कांग्रेस और शरद पवार का समर्थन चाहते हैं। शरद पवार एक सीजंट नेता हैं, उन्होंने झड़की थमा दी है। कांग्रेस ने कह दिया है भैया हम तो चुनाव के पहले अपने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को अनाउंस ही नहीं करते हैं। तो ये दोनों बाप बेटा अभी भटक रहे हैं और भटकेंगे। दुनिया की कोई शक्ति आदित्य ठाकरे को इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचा सकती है। दिशा सालियान की रेप का किस्सा बंद होने वाला नहीं है। सब कुछ गायब किया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया और सोचा गया कि ऐसे ही समय बीतते जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। परमवीर सिंह ने कहा है कि साहब 100 करोड़ की उगाही का मामला तो था ही, इसके अलावा बाप बेटे बहुत सारे मामलों में भी शामिल है। अभी उन्होंने अनिल देशमुख पर भी इशारा किया, अनिल देशमुख और उनके पुत्र के ऊपर भी आरोप लगाया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार पर परमवीर सिंह ने पूरी तरह से मोर्चा खोल लिया है और उसमें कहा है कि साहब ये सब एक हैं। कभी शरद पवार के घर पर मीटिंग होती थी, कभी उद्धव ठाकरे के मातोश्री में होती थी, कभी किसी होटल में होती थी,
कभी कहीं होती थी और पूरे मीटिंग का लब्बो लुआब यह होता था कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल कैसे किया जाए माल बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। यही काम होता था, महा विकास अघाड़ी की सरकार यही कर रही थी। बस दुख की बात यह है कि महायुति की सरकार अभी एक्शन क्यों नहीं ले रही। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।